हाइब्रिड वॉरफेयर, एक दोगली जंग, ये क्या होती है, किस तरह से लड़ी जाती है, ये जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। क्योंकि एक आम आदमी की हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में मालूमात इंतहाई कम है, इसलिए इस दोगली जंग के मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि हमें इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हों। इसमें इब्तदाई तौर पर आपका दुश्मन आपके फौजी, सियासी, मुआशी, अवामी और मालूमाती इदारों में दाखिल हो जाता है। इब्तदाई तौर पर आपका दुश्मन आपके इन इदारों में घुसकर इनकी ताकत का अंदाज़ा लगाता है। दूसरे नंबर पर आपका दुश्मन आपकी माशरती कमजोरियों के बारे में पता लगाता है और उनको अपने अंदाज से एक्सप्लॉइट करता है। तीसरा नंबर अब हम वक्त साजी का है। हम वक्त साजी इस तरह समझ लीजिए कि ये एक अपनी मर्जी की कहानी बनाते हैं जिसमें कुछ सच और झूठ शामिल होता है और वो उस इदारे में फैला देते हैं। इस तरह अब इस जंग के चौथे मरहले में जो अभाम फैल गया है इनकी स्टोरी की वजह से, उसका ये इस्तेहसाल करते हैं। वो इस तरह से करते हैं कि अब जो उस इदारे के हक में अच्छे फैसले हो रहे हैं उनको रुकवा दिया जाता है ताकि वो इदारा मजीद मजबूत ना हो और वो तरक्की ना कर सके। इस तरह अब जंग के पांचवें मरहले में जो कहानी बनाई गई जिसकी वजह से इदारों के अंदर अभाम फैला, उनसे कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके इदारों को और इदारों को आपस में लड़वाया जा सके, इदारों के अंदर गलत फहमियाँ पैदा की जा सकें ताकि उस मुल्क के इदारे कमज़ोर से कमज़ोरतर किए जा सकें और अवाम के अंदर उनके लिए नफरत पैदा की जा सके। इसकी एक अहम मिसाल हम शाम के माशरे में फैलने वाली अनारकी से दे सकते हैं, जहां पर नस्ली फसादात बढ़ने की वजह से शाम का माशरा तबाही का शिकार हो गया। शाम के माशरे में ईरान ने अपनी आहिस्ता आहिस्ता मुदाखलत बढ़ानी शुरू कर दी और वहां की एक पार्टी जो कि सीरियन अरब रिपब्लिक के नाम से मशहूर थी, उसके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए और उसको शाम की हुकूमत के खिलाफ हर तरह की मिलिट्री सपोर्ट, मुआशी सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से शाम की हुकूमत कमज़ोर होना शुरू हो गई और वो पार्टी मजबूत होना शुरू हो गई और अवाम के अंदर उस पार्टी की पेनिट्रेशन बढ़ती गई, जिसकी वजह से शाम के हालात ख़राब हो गए। अब हम इसका तज्जिया करते हैं कि ये किस तरीके से किसी माशरे में अपने असरात छोड़ के चले जाते हैं। इससे पहले शाम में होने वाली इस दोगली जंग के पहले के और बाद के कुछ मनाजिर। इसमें दुश्मन की सबसे पहली तरजीह ये होती है कि वो आपके फौजी, सियासी, इकोनॉमिकल और इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी इदारे हैं उनके अंदर वो अपने नुमाइंदों को बिठा दें, जिसकी वजह से मुल्क का तमाम राबता के निज़ाम जो होता है, जो एक इदारे से दूसरे इदारे के अंदर होता है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लें। इसकी एक मिसाल इस तरह से दी जा सकती है कि मई 2014 के यूक्रेन के इलेक्शन में रशिया ने अपना एक साइबर अटैक किया, जिसकी वजह से वो उनके जितने इलेक्शन का रिकॉर्ड था वो चुरा लिया और उनका इलेक्शन इस तरीके से कंट्रोवर्शियल हो गया। साइबर अटैक के अंदर जो हमा वक्त साजी होती है ये इस तरह से होती है कि दुश्मन अपने मुकम्मल इख्तियारात को हर लिहाज से इस्तेमाल करता है कि आपकी जो दुश्मन की जो सलाहियत है उसको कम से कम कर दिया जाए, उसको कमज़ोर किया जाए, उसके अंदर जो ताकत का एक अंसर पाया जाता है उसको कमज़ोर कर दिया जाए। इसकी एक मिसाल इस तरह से दी जा सकती है कि जब 2013 में ईरान का सीरिया के अंदर अमल दखल ज़्यादा हो गया और अमेरिका को कमज़ोर करने के लिए वहाँ पे
उसने इस बात की अफवाह फैला दी कि ईरान जो है साइबर अटैक कर रहा है। इनके अब असरात क्या होते हैं? इनके असरात ऐसे होते हैं कि ये किसी ममालिक के फैसलों पर असरंदाज होते हैं। फिर फैसलों पर असरंदाज जिस तरह होते हैं वो ये है कि किसी मुल्क के ऊपर अपने फैसले मुसल्लत करवाते हैं कि आप जो है इस तरीके से फैसले करें। जैसे यूक्रेन के इलेक्शन के बाद जो उनकी गवर्नमेंट के ऊपर, उनकी जो नई गवर्नमेंट आई उसके ऊपर रशिया ने दबाव डलवाया कि उनका जितना भी ऑयल है वो रशिया को बेचेंगे। इस तरीके से ये फैसलों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। गोया के इससे साबित हुआ कि हाइब्रिड वॉर, इस दोगली जंग में दुश्मन आपके तमाम मुल्क के अहम इदारे हैं, जिनमें आपके मिलिट्री इदारे आते हैं, आपके सियासी इदारे आते हैं, आपके इकोनॉमिकल इदारे आते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इदारे आते हैं, आपके मीडिया के इदारे आते हैं, तमाम में दाखिल हो जाता है और उनको अपने मुल्क मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। आपके दुश्मन का असल मकसद ये होता है कि आपके मुल्क को नुकसान पहुँच जाए और उनके मुल्क को, उनके मकासद को फ़ायदा पहुँचे। वो अपने मकासद के लिए आपके तमाम इदारों को इस्तेमाल करते हैं। आपके मुल्क में अफरा तफरी हो, कुछ हो, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मज़ीद कमेंट सेक्शन में अपनी राय